हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीटी रोड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि जीटी रोड को किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लास तक जरूर देखें। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम शॉर्ट में जीटी रोड भी कहते हैं, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक है। इसकी लंबाई 3,670 किलोमीटर है। दो सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम भागों को जोड़ा है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक जाता है। पुराने समय में इसे उत्तर पथ, सहारा ए आजम, सड़क ए आजम और बादशाही सड़कों के नाम से भी जाना जाता था। यह मार्ग मौर्य साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में था और इसका फैलाव गंगा के मुंह से होकर साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा तक है। आधुनिक सड़क की पूर्वता का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। यह मार्ग बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन चार मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ता है। यूं तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि जीटी रोड को किसने बनवाया और कब बनवाया। अब जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने पक्का करवाया और बनवाया तो उसके पीछे कुछ रीज़न होंगे। तो रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको आगे बतलाता हूँ। पहले के समय में क्या होता था, मुगल काल के दौरान किसी भी वस्तु या सामग्री की आयात निर्यात इस मुल्क से उस मुल्क होती थी। उस समय लूटपाट बहुत ज़्यादा होते थे। लूटपाट होने के कारण व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाती थी, इसलिए शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को पक्का करवाया, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। जगह जगह पर कोस मीनार बनाए गए, जिससे कि लूटपाट में कमी आई। लूटपाट में कमी आने के कारण व्यापार में वृद्धि हुई। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।